नंबर वन, हर एक शेर सीने में दम, दुश्मन ढेर जब लगे जंग। पाकिस्तान जिंदाबाद। किंगडम वैली मेगा स्टार्स लीग का 13वां मुकाबला लाहौर महाराजाज और पिंडी बॉयज के दरमियान अब से कुछ देर के बाद शुरू होगा। आज इस लीग का अहम दिन है। So news from the center is that the Rawalpindi boys have won the toss and they have decided to bowl first. पिंडी बॉयज की टीम में अब्दुल रहमान, अहमद शफाक, अली अंसारी, मुश्ताक अहमद, मुस्तफ़ा जाहिद, नवीद खान, राइद मोहम्मद आलम, राजा हमजा वहीद, रेहान नाजिम, सलमान सईद, सैयद समर अब्बास और तौफीक उमर शामिल हैं, जबकि लाहौर महाराजाज में अरबाज खान, फहद शेख, गौहर मुमताज़, हुमायूं आलमगीर, इब्राहिम फजल, मिनहाज शाह, मोहम्मद हफीज़, नुमान हबीब, रमीज़ इमरान, साद रशीद, सईद अजमल और यासिर हमीद शामिल हैं। पिंडी बॉयज ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला किया इस किंगडम वैली MSL 2022 में। पिंडी के इस क्रिकेट स्टेडियम से ये मुकाबला बराह रास्त आप देखते हुए जियो सुपर की स्क्रीन पर। पिंडी बॉयज ने दावत दी है बैटिंग की और हफीज मुस्कुराते हुए आते हुए और खेल का आगाज। मोहम्मद हफीज को गेंद मिला और उन्होंने खेला लेकिन कवर बाउंड्री पर अच्छी फील्डिंग। ऊंचा शॉट खेले हफीज ऑफ साइड पर, फील्डर गेंद के नीचे हैं, देखना होगा कि कैच पकड़ लिया। बहुत खूबसूरत प्लेसमेंट, बहुत खूबसूरत बॉल और एक बड़ा नुकसान लाहौर महाराजाज को। और महाराजाज के कप्तान अब वापिस जगआउट में जाएंगे समर अब्बास। जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा, फिर वही लेंथ, वही लाइन और मोहम्मद हफीज ने इसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहा लेकिन जबरदस्त कप्तानी यहां पर मुश्ताक अहमद की, कोई गलती नहीं की फील्डर ने, बॉल के नीचे आए और ये एक अहम विकेट यहां पर हासिल की है। अरे देखिए दूसरे खिलाड़ियों के कितना जोश। जोरदार शॉट खेले इस मरतबा हुमायूं आलमगीर और गेंद बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। स्लोअर बॉल था इस मरतबा, पिक किया उसे और पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर 6 रन। बहुत अच्छा गेंद, बहुत अच्छा पिक किया इसको, देखना होगा कि फील्डर गेंद के नीचे, बहुत उम्दा कैच, बहुत अच्छा कैच लेकर हुमायूं आलमगीर की विकेट हासिल कर ली। समर अब्बास इज बॉलिंग वेरी वेल। समर अब्बास इस वक्त लाहौर महाराजास के खिलाफ महाज बनकर डट गए हैं। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा, इसको मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, फील्ड प्लेसमेंट और शानदार कैच, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और यहां पर ऐसा लग रहा है कि बैटर हुमायूं आलमगीर थर्ड अंपायर से कंफर्म करना चाहेंगे कि कैच प्रॉपरली हासिल कर लिया या ये बॉल नीचे लग गई थी। और थर्ड अंपायर का फैसला कि आउट हुमायूं आलमगीर बाहर जाते हुए। फहद शेख है नए बैट्समैन। बहुत उम्दा गेंद, बहुत लाउड अपील और आउट। बहुत खूबसूरत गेंद किया था समर अब्बास ने और फहद शेख को जाना ही होगा। रावलपिंडी बॉयज के समर अब्बास इस वक्त पिंडी बॉयज की नजरों का महवर बन चुके हैं। ये गेंद यॉर्कर लेंथ थी और ये हल्का सा हवा में स्विंग हुई, इसको क्रॉस द लाइन खेलने गए, टो पे बॉल लगा, अंपायर के लिए एक बहुत ही आसान फैसला। समर अब्बास की ये तीसरी विकेट यहां पर। इस तरह से आउट करेंगे तो कोई ना कोई टीम में ले लेगा इनको, इससे तो हमारे दिल मोह लिए। इस पर फिर गेंद विकेट के दरमियान था लेकिन गैप में गया, क्योंकि पावर प्ले के ओवर्स हैं तो गैप जरूर मौजूद है फील्ड में। बहुत अच्छा बॉल मुश्ताक का, बड़ी अच्छी लेंथ पर गेंद गिरा लेकिन 4 रन। गेंद अच्छा था लेकिन उसको खेला बहुत अच्छा, गैप मौजूद है अभी तो। आइए और क्रिकेट के साथ साथ म्यूजिक को भी एंजॉय कीजिए। एक और शॉट खेला है गैप में, खेलने में कामयाब हुए 4 रन। ऑन साइड की फील्ड खासा पैक है, डीप साइड पर तमाम फील्डर्स मौजूद। ऊंचा शॉट खेले हैं इस मरतबा और गेंद गई हवा से बातें करती हुई मैदान से बाहर।
फिर जोरदार शॉट खेला है ऑन साइड पर, इस मरतबा फील्डर मौजूद, आउट। और इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना जरूरी था, यहां पर मिड विकेट को टारगेट करना चाहा रमीज ने लेकिन कामयाब ना हो पाए और इस तरह ये विकेट हासिल कर ली। पुल किया बट स्ट्रेट टू द फील्डर और एक अच्छा वेल जज कैच यहां पर। इन मैचेस से लुत्फंदोज हो रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक गए, यासिर हमीद इसको खेलना चाह रहे थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन बहुत शानदार कैच फील्डर की जानिब से। फील्डिंग ने आज गेम उठा दी है पिंडी बॉयज की और उसी का एक और मजाहरा में यहां पर देखने को मिला है यंगस्टर की जानिब से, बहुत ही अच्छा कैच कप्तान मुश्ताक अहमद की जानिब से, अच्छी कदमों का इस्तेमाल किया, डाउन द पिच आए और बॉल को पहुंचाना चाहते थे बाउंड्री के बाहर, लेकिन जंप लगाकर इस कैच को थामा है यहाँ पर गुलाम ने और दाद यहाँ बनती है इनकी। यासिर हमीद को जाना होगा 41 for 4। गुलाम का और ये मुश्ताक अहमद के सर के ऊपर से बॉल गुजरी है और बचाया है उन्होंने अपने आप को, लेकिन इसी के साथ 4 रन जरूर हासिल होंगे इब्राहिम अफजाल को। बहुत अच्छा जी माशाल्लाह, सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो, इतनी अच्छी और खूबसूरत लीग जो करवा रहे हैं। चले आपको मुबारक ना हो, आउट हो चुके हैं। तो हमारा तो यही चल रहा है अभी से। कोई नहीं, शाम से यही चल रहा है, यही क्रिकेट है। लेकिन ये बहुत बड़ा अपसेट हो गया, अपसेट तो नहीं कहूँगा लेकिन एक बहुत बड़ी कोलैप्स हुई है आज हमारी बैटिंग लाइन में 10 ओवर्स में। बट यू नेवर नो, सेकंड इनिंग्स इज देयर। हाँ जी, ओवरऑल बताएं एमएसएल के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं आप, सेलिब्रिटीज़ की, डिफरेंट जर्नलिस्ट की, एक्टर्स की, सब आके यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं एंड द लेवल ऑफ क्रिकेटेनमेंट दैट पीपल आर गेटिंग, उसके बारे में बताएं। चलिए यासिर, इन्जॉय योर टाइम, अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करें एंड ओवर टू देयर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बख्तावर निकाल दिया इस गेंद को खूबसूरती से, टाइमिंग बड़ी शानदार, भरपूर कोशिश के बावजूद फील्डर नहीं रोक पाए इस गेंद को। इस वाली बॉल को उठाकर उन्होंने खेल दिया है और सीधा फील्डर के हाथ में। दिस हैज बीन द स्टोरी ऑफ द डे फॉर लाहौर महाराजास टुडे। अनफॉर्चुनेटली मिन्हाज शाह को भी अपनी विकेट यहां पर गंवानी पड़ी, पहली विकेट हासिल होगी अब्दुल रहमान को। जी हाँ, लेंथ को रीड जरूर किया था, बैकफुट पर जाकर खेलना चाह रहे थे, क्लियर करना चाह रहे थे लॉन्ग ऑन के, फील्डर को कामयाब नहीं हो पाए। अच्छा कैच, वेल जज्ड कैच था, 57 रन 7 विकेट के नुकसान पर लाहौर महाराजास। बाहर आकर खेलना चाहते थे इस गेंद को और बिल्कुल मिस किया और फायदा उठाया इसी का विकेट कीपर ने और स्टंप आउट कर दिया गौहर मुमताज को, उनको जाना होगा बगैर किसी रन के। अच्छी स्टंपिंग यहां पर तौफीक उमर की जानिब से, कदमों का इस्तेमाल किया, भांप गए थे अब्दुल रहमान, इसने थोड़ा वाइड ऑफ द क्रीज बॉल किया और स्टंप करने में कामयाब हुए लाहौर महाराजा 57, 8 विकेट के नुकसान पर। गौहर मुमताज बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। पिंडी बॉयज की जानिब से और लेग साइड पर इसको खेलना चाहते थे लेकिन बॉल सीधा हवा में जाती हुई, बॉलर ने कोई गलती नहीं की यहां पर और एक और विकेट गिर गई है लाहौर महाराजास की। यह आज का दिन यकीनी तौर पर पिंडी बॉयज के नाम है, ये आधी विकेट में इस गेंद को पिच किया था, तो लेग साइड पे उठाकर खेलना चाह रहे थे। बड़ा अच्छा कैच यहाँ पर बॉलर की जानिब से, 15 नंबर RRK की शर्ट में मलबूस है और इस विकेट के साथ ही नवी विकेट का नुकसान 59 for 9। कदमों का इस्तेमाल किया, बॉल की लाइन को मिस की, अहमद अशफाक ने आखिरी विकेट का खात्मा
और इसके साथ ही इनिंग्स तमाम हुई लाहौर महाराजास की। लाहौर महाराजास एक अच्छी बैटिंग का मुजाहरा नहीं कर सके इस इनिंग्स में और उनके आखिरी बल्लेबाज अरबाज खान डाउन द विकेट आकर अटैक करना चाह रहे थे अहमर को, लेकिन बिल्कुल मिस किया बॉल को, लेकिन तौफीक उमर ने मिस नहीं किया। यहाँ पर बहुत ही अच्छी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस विंडी बॉयज़ की, एक हडल यहाँ पर उनके लिए चल रहा है, कंग्रेचुलेटरी हडल होगा क्योंकि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है लोएस्ट टोटल पे लाहौर महाराजास को 68/10। अगर बैटिंग की बात करें तो मोहम्मद हफीज, हुमायूं आलमगीर, रमीज इमरान, फहद शेख, मिनहाज शाह, यासिर हमीद, इब्राहिम अफजल, कोई भी बल्लेबाज आज जो है वो इम्प्रेस नहीं कर सका अपनी बैटिंग से। लास्ट मैन स्टैंडिंग सईद अजमल सिर्फ 7 रन बना सके और बोलिंग थ्रू एंड थ्रू इम्प्रेसिव रही। समर अब्बास पिक ऑफ द बॉलर्स, 3 विकेट्स। अब्दुलरहमान ने 2 विकेटें हासिल की, रेहान नाजिम ने भी 2 विकेटें हासिल की और आज तमाम के तमाम बॉलर्स को एटलीस्ट 1 विकेट मिली है जितनों ने भी आज बॉल की है और इसी का नतीजा ये हुआ कि लाहौर महाराजास ऑल आउट हो गई फॉर 68 ओनली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अली सलमान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से किंगडम वैली मेगा स्टार लीग में अपने तमाम नाजरीन को अपनी को कमेंटेटर हिजाब जाहिद के साथ खुश आमदेद कहता है। दोनों अंपायर्स ग्राउंड में दाखिल होते हुए, अंपायरिंग बड़ी जबरदस्त रही है इस टूर्नामेंट में, कोशिश तो यहाँ पर उनकी होगी डेफिनेटली कि इसको जो है वो डिफेंड किया जाए, छोटा टारगेट है मगर इम्पॉसिबल नहीं है। सलमान सईद यासिर हमीद के साथ मौजूद हैं आज हुमायूं आलमगीर, जिन पे बहुत डिपेंड कर रहे थे, हफीज ज्यादा खातिर ख्वाह नहीं खेल सके और ये टूर्नामेंट सलमान सईद के लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं रहा। प्ले की कॉल, पहली गेंद हफीज की। सलमान सईद, हफीज की ये गेंद, उस पर दबा स्वैप करने में कामयाब, फाइनल लेग पोजीशन पे 4 रन के लिए सलमान सईद। मरतबा कवर पॉइंट के दरमियान से खेले और यहां पे 4 रन हासिल किए, डक भरते हुए यहां पे रन हासिल किया और ये यासिर अहमद, विकेट कीपिंग, गोल कीपिंग या गेट कीपिंग, एक दफा फिर यासिर अहमद इस गेंद को नहीं कलेक्ट कर सके और यहां पर साद हैरान कुन तौर पे देख रहे हैं कि हेलमेट की से मुझे लग रहा है डिस्टर्ब हो रहे हैं। उठता हुआ स्ट्रोक, इस मौके पे गैप में गेंद गई, हजबे मनशा स्ट्रोक तो नहीं खेल सके लेकिन गेंद बल्ले का आउटर इज लेने के बाद थर्ड मैन के फील्डर के सर के ऊपर से 28 के अख्तिताम पर बगैर किसी नुकसान के बैटिंग में इतना आज कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सके अपनी टीम के लिए। अच्छी फ्लाइटेड डिलीवरी यहाँ पर और उसको बहुत ही खूबसूरती से पिक भी किया और ड्राइव भी कर दिया, स्ट्रेट ड्राइव बाय तौफीक उमर, इजी ऑन द आईज। अच्छी शॉट यहाँ पर सलमान सईद की, तौफीक उमर की ही उन्होंने लगता है कि कॉपी की है यहाँ पर और वैसा ही एक दिलकश स्ट्रेट ड्राइव। अच्छी शॉट यहाँ पर सलमान सईद की और एक मिस फील्ड, मजीद एक मिस फील्ड यहाँ पर लाहौर महाराजास की जानिब से, जितना स्कोर उन्होंने बोर्ड पर सजाया है वो अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसी गलतियां। अच्छा एक जोरदार स्विंग ऑफ द बैट और 4 रन्स, एफर्टलेस स्ट्रोक यहाँ पर, एफर्टलेस बैटिंग। हर प्लेयर की अभी इस्लामाबाद रॉयल का मैच हुआ, हर प्लेयर इतना मोटिवेटेड था लेकिन जब जाके खेला वो सही प्रॉपर नहीं खेल सका। नीड टू बी केयरफुल बिकॉज़ अ बॉल जस्ट हिट अस, आप एग्रेशन देख सकते हैं, दिस वाज अ वेल डिजर्व्ड सिक्स, सेलिब्रिटी ही खेल रहा है इस टाइम पे। और जो मेन हमारा मोटिव वही है कि जो कॉज है लाला का उसको हमने लेके आगे चलना है। चले जी, कीप स्पोंसरिंग सच क्रिकेट इनिशिएटिव्स एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस नोबल कॉज, थैंक यू। ओवर टू द कॉम बॉक्स। ऊंचा शॉट खेले हैं मुस्तफा जाहिद और 6 रन। मुस्तफा जाहिद इंतजार कर रहे हैं उस गेंद का कि उसको वो गेंद, ये इस बॉल का इंतजार करते हुए मुस्तफा जाहिद और उन्हें मिली वो गेंद और उन्होंने फेंक दिया गेंद को मैदान से बाहर और 6 रन और यूं पिंडी बॉयज ने एक और फतह समेट ली। शानदार परफॉर्मेंस पिंडी बॉयज की
पिंडी बॉयज वन दिस गेम बाय 10 विकेट्स। जी मुबारकबाद के मुस्तहिक है यहाँ पर पिंडी बॉयज, 10 विकेटों से उन्होंने इस कॉम्पिटिशन को जीता है और एक खूबसूरत यहाँ पर मंजर उनके डग आउट का, बहुत सारे यहाँ पर कंग्रेचुलेशंस उनको मिल रहे हैं। आवाम जो है वो बहुत ही खुश, यहाँ पर होम टीम है उनकी पिंडी बॉयज और थोरली इम्प्रेसिव और वन साइडेड विन यहाँ पर हैंडशेक कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द गेम दूसरी टीम के साथ। अच्छी स्पिरिट में ये, जिस अच्छी स्पिरिट में ये पूरे का पूरा टूर्नामेंट हो रहा है उसी का हमें मंजर यहाँ पर दिख रहा है अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर। बैटिंग की जहाँ तक बात की जाए तो ज़्यादा बैटिंग का मौका ही नहीं मिला पिंडी बॉयज़ को। सलमान सईद जो हैं वो 32 रन बनाकर शानदार इनिंग्स खेल कर रिटायर्ड आउट हुए और तौफीक उमर और मुस्तफ़ा जाहिद अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। 9 रन तौफीक उमर के हिस्से में आए और मुस्तफ़ा जाहिद ने सिर्फ 7 बॉलों पर 19 रन लगाकर अपनी टीम को यहाँ पर फतह जो है वो दिलवाई। सिर्फ 4.3 गेंदों का सामना किया और यूँ मुकाबला जीत गया पिंडी बॉयज़ ने। हफीज तमाम ही बॉलर्स विकेटलेस रहे तो बहुत अच्छा मैच हुआ। लाहौर महाराजाज ने 68 रन बनाए थे और 9.5 ओवर्स का सामना उन्होंने किया जिसको हदफ को हासिल कर लिया। बहुत आसान हदफ लग रहा है ये स्कोर टैली अगर आप देखें तो सिर्फ 4.3 ओवर्स में स्कोर हासिल करने में कामयाब। सलमान सईद वॉज द टॉप स्कोरर विद 32 रन, ही वॉज रिटायर्ड आउट। इसके अलावा मुस्तफा जाहिद ने 3 छक्के लगाए और सिर्फ 7 गेंदों पर 19 रन बनाने में कामयाब रहे। पिंडी बॉयज 1/10 विकेट्स।